बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ हाथ से कुटा हुआ कीमा आलू, जो कि बहुत ही पसंदीदा डिश है हमारे यहाँ और बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, और नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आधा किलो कीमा लिया है मैंने हाथ से कुटा हुआ, हड्डी भी है एक छोटी सी, हड्डी से बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। थोड़ी चर्बी है, चर्बी वाला कीमा लिया कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, गजाइत होती है। तो मैं इसको एक देचकी में डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखें देचकी में मैंने इसको डाल दिया है। और इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे दो दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काट ली हैं, 8-10 जवे हैं लहसुन के, 2-3 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं, ये मैं इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि आप जब भी कीमा बनाएं या गोश्त बनाएं तो उसको इस तरह चढ़ाया करें, इस तरह शुरू किया करें उसको पकाना। बाज़ लोग होते हैं वो मसाला भून के पकाते हैं, तो इससे जो है ना वो कुछ देर के बाद ना रंगत जो है वो उसकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप रंगत सही रखना चाहते हैं एंड तक, तो आप इस तरह बनाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मसालों की तरफ चलते हैं। तो मसालों में हमारे पास हसबे साए का नमक है, मैंने 1 चाय का चम्मच भर के ले लिया है, बाद में मैं चेक करके डाल लूँगी। हल्दी ली है मैंने 1/2 चाय की चम्मच, ज़ीरा 1/2 चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है, और लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैं बाद में भी डालती हूँ पहले भी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। 1/2 चाय की चम्मच है दड़ा मिर्च, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये तमाम मसाले जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पर मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने उनका पेस्ट बना लिया है, ये मैंने पेस्ट भी शामिल कर दिया। और इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी शामिल करूँगी और इसको धीमी आँच पर पकने रख दूँगी। तो मैंने इसमें तकरीबन 1/2 ग्लास पानी भी शामिल कर दिया है, और ये इसको मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको मैं ढककर और तकरीबन इसके गलने तक पकाऊंगी कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये गल जाए। और फ्लेम को जो है ना हमने स्लो रखना है बहुत, ताकि ये इसी पानी में अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि हाथ का कूटा हुआ कीमा है तो उसमें थोड़े मोटे टुकड़े होते हैं तो ज़रा देर से गलते हैं, कीमे की तरह जल्दी नहीं गलते। अच्छा जी, तकरीबन 1/2 घंटा मैंने इसको छोड़ के रखा धीमी आंच पे, और बहुत ही अच्छा सा कीमा गल चुका है। इसका पानी भी तकरीबन इतना ख़त्म हो गया है कि मैं इसको भुनाई कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, घी मैं कम डालूँगी क्योंकि कीमे में चर्बी थी काफ़ी और अपना घी इसका बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए मैं घी कम डाल रही हूँ। और मैं इसकी भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट, तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए, इसका घी जो है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 अदद आलू थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने चीर के पानी में मैंने इस तरह काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रख लिया ताकि इसका कलर ना ख़राब हो, पानी में रखने से कलर जो है वो ख़राब नहीं होता आलुओं का। तो मैं इसको डाल रही हूँ आलुओं को, साथ साथ भुनाई भी करेंगे इस पर जो है आलू भी गल जाएंगे हमारे, क्योंकि आलू बहुत छोटे साइज़ में, आलू जल्दी गलेंगे। और आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आलू जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के साइज़ में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह के कटे हुए आलू कीमे में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो साथ साथ भुनाई करेंगे, मीडियम फ्लेम मैंने कर लिया है। अभी इसमें मैं जो चीज़ें शामिल करूँगी वो आपने ध्यान से देखनी है जी। तो इस वक्त मैं शामिल करूंगी 1 चाय के चम्मच भर के मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, और 1 चाय के चम्मच नॉर्मली मैंने ली है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद करेंगे, जबकि घी अलग ना हो जाए जब तक मुकम्मल तौर पे। तो जी, भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और अब हम इसमें पानी डालेंगे हसबे ज़रूरत, यानी हमें जो ग्रेवी चाहिए वो, और जिसमें आलू हमारे मुकम्मल तौर पे गल जाएं। इतना पानी मैं डालूंगी, तकरीबन 1 गिलास पानी मैं इसमें डालूंगी, अभी मैंने 1/2 गिलास डाला है, तो लेकिन आलू भी गलेंगे तो मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी जी। तो मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया, यहाँ पर मैं 1/2 चाय की चम्मच कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथों से मसल के ऐसे डाल रही हूँ, और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ 2 फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि आलू भी गल जाएंगे, और ढक के छोड़ दूँगी मैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी गल चुके हैं हमारे पास, ग्रेवी भी मौजूद है जितनी हमें चाहिए। तो हम इसमें 1/2 चाय की चम्मच मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ कुटी हुई,
और आधी चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद जो है वो मैं इसको एक मिनट का दम लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो दम मैंने खोल दिया है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, ये है हमारे हाथ के कुटे हुए कीमे की फाइनल लुक, ये तैयार है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन लाजमी दबा दें और शेयर भी करें वीडियो को। और इसके अलावा जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। और कमेंट करके आपने मुझे बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।